वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बहुत डिफरेंट किस्म की वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि आप लोगों ने ढेर सारी फरमाइश की थी कि आप अपनी सहरी रूटीन दें, फैमिली के साथ क्या करते हैं आप लोग, तो आज हम बिल्कुल डिफरेंट एपिसोड लेके आए हैं जिसमें सहरी की रूटीन के साथ साथ हमारी फैमिली के सारे लोग बच्चों को छोड़ के सब एक एक डिश बनाएंगे और हम मिलके खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो देखें यहाँ कौन है। जैसे कि बहुत सारे लोग जानते होंगे कि सना है डायरेक्टर साहब की बेगम, हमारी बेटी जोई की मम्मा, लेकिन कुछ लोग अगर नहीं जानते हो इसलिए मैंने इंट्रो दे दिया। और इनका भी चैनल है सना के संग, उसमें मैं भी कभी कभी आती हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी लिंक, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो सना क्या हाल है? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी ईद के शो में। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो इसका लिंक ऊपर डायरेक्टर साहब दे देंगे, वो आप क्लिक कर सकते हैं इस पर। और आज जो है हम मिलकर कुछ डिश बना रहे हैं सहरी के लिए। क्या बनाएगी? न्यूटेला फ्रेंच टोस्ट मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी। बच्चों के लिए कहाँ से रेसिपी लिए? आपके किचन से। तो बेसिकली ये भी रूबी के किचन की डिश बना रही है, मैं भी रूबी के किचन की डिश बना रही हूँ जो कि मैं बना चुकी हूँ। लेकिन हमारी ये दोनों चीज़ें ही बहुत पसंद है, लेकिन फैमिली के सारे फर्द बनाएंगे। अब आई डोंट नो, हमें भी सरप्राइज मिलेगा कि क्या क्या बना रहे हैं और क्या क्या होने वाला है। तो क्वारंटीन चल रहा है तो उस हिसाब से रोज़े जो है वो तो बड़े कंफर्टेबल हो गए हैं। यूँ तो बहुत सारे मसले भी हो गए हैं लेकिन यूँ आराम भी हो गया। अब जैसे हम भी सो नहीं रहे हैं, पूरी रात जागते हैं और फिर मज़े करते हैं, फिर पकाते हैं सहरी करके, फिर सुबह सोते हैं, है ना? सही बात है। तो चले मैं जल्दी से एक ब्रेकफास्ट पिज़्ज़ा बनाती हूँ। हाँ, और मैं थोड़ी सी बैकअप की तैयारी कर लेती हूँ। ओके चलो, सही बात। ये इतना मज़े का है और इजी इतना है, सहरी में खा लो वैसे भी खा लो, बड़ा झटपट बन जाता है और मज़ेदार सा है। वैसे मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ कि जो जो मैंने प्री शूट किए थे ना रमज़ान से पहले इफ्तार किए और सहरी की चीज़ें, और आप लोग बना रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, तो मुझे इतनी खुशी होती है। और ऐसा लग रहा है मैं इतने अरसे बाद आप लोगों से मिली, क्योंकि वो तो प्री शूट हो गया था और आज बरसों बाद आपसे मुलाकात हुई, ऐसा मुझे लग रहा है। चले आप क्या करेंगे, इजी है, बस ये ब्रेड जो है रखेंगे थोड़ा सा, जब लिक्विड टाइप का अंडा होगा ना जबी, इतना इजी है, झटपट बन जाने वाला है। चूल्हा हमने स्लो कर दिया है ताकि डबल रोटी जो है वो नीचे से जल ना जाए ना। देखा कितना इजी पीजी ना, यमी पिज्जा है ना, सबको पसंद है ना अपने यहाँ। हाँ, डायरेक्टर साहब तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो अब सारी वेजिटेबल्स थोड़ी थोड़ी डाल देते हैं, देखते हैं। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ डायरेक्टर साहब क्या करेंगे, डैडी क्या करेंगे। चीज़ डाल दी और अब थोड़ी सी टॉपिंग ऊपर भी डाल देंगे। थोड़ा सा बस तेल डाल देंगे, इससे मज़ा आएगा, और थोड़ा सा इसके ऊपर ऑरिगनो छिड़क देंगे और इसको कवर कर देंगे। देखिए दो स्लाइस तो हमने फिर से फ्लैट कर ली बेलन से, साइड्स नहीं निकालनी है जैसे रूबी मैम ने कहा है। अभी मैं अंडा फेंट के उसमें 2 टेबलस्पून दूध डाल रही हूँ, फिर इसमें 1/4 टेबलस्पून सिनेमन डाल दूँगी वो डिप करने के लिए, ठीक है। वैसे मैं रूबी की रेसिपी फॉलो कर रही हूँ लेकिन उन्होंने कहा था ये स्किप मत कीजिएगा, और मेरी बेटी को सिनेमन की स्मेल पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ, मेरे हबी को भी पसंद है और आपको भी पसंद ही आएगी, आप भी स्किप मत करिएगा।
यम्मी। अब मैं फेवरेट पार्ट कर रही हूँ, न्यूटेला स्प्रेड कर रही हूँ। ये मुझे बचपन से बड़ा पसंद है। हमारी फैमिली में वैसे भी चॉकलेट लवर्स हैं सब। सना मेरी बेटी और वो जोई, अब पता नहीं और कौन कौन होने वाला है। इसीलिए तो क्रिएट की थी यार। हाँ, तो ये स्कूल से आने वाली थी, मैंने सोचा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो फिर ये बना लिया था। खुश हो गई वो बहुत। फिर उसका फेवरेट हो गया, इसीलिए ये तो मुझे पता है गारंटी खा लेगी। कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे, बस इसको अंडे में डिप करके, जो अंडे का मिक्सचर है उसमें हम फ्राई कर लेंगे। ठीक है, ये तो मेरा फेवरेट है। क्या क्या बोलते हैं इसको, ये ब्रेकफास्ट पिज़्ज़ा। ब्रेकफास्ट पिज़्ज़ा, और ये जोई का फेवरेट है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम लोग तो इतना इस तरह से थे कि जैसे शहरी का माहौल है, मैं भूल ही गया कि टेप हो रहा है एक्चुअली। तो मैं डैडी के पास गया था, डैडी बहुत नींद में। तुम लोग तो करो पहले यार, आ जाओ आ जाओ, तुम लोग निमटाओ पहले, फिर मैं आता हूँ, मुझे उठा देना थोड़ी देर में। नहीं, लेकिन मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट यही दिया था कि फैमिली का हर फर्द बनाएगा एक्सेप्ट बच्चे, तो अब क्या शफी बच्चे? तो अपन भेजते हैं किसी को, वो उठा के आएंगे। चल, तो मैं बनाने वाला हूँ। हाँ। मैंने खुद इन्वेंट किए, मैं उसका नाम देना चाहता हूँ, रोटी अंडा केसडिया। <That's good. laughs> तो सबसे पहले तो हम जो है वो थोड़ा सा बटर लेंगे, एक टीस्पून के आसपास। आप कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, यू आर योर ओन बॉस। ठीक है, अब जो है इसके अंदर हम थोड़ा सा तेल ड्रिजल कर देंगे। अब जो है वो हम इसे अच्छे से सिजल कर लेंगे। ये हो गया, अब इसके अंदर हम डाल देंगे एक बुरीटो साइज़ की टोटिया। आपके पास अगर टोटिया ना हो तो आप जो है मम्मा की रेसिपी देखें, मैं लिंक यहाँ देता हूँ, ज़बरदस्ती आप होम मेड टोटिया बना सकते हैं, वरना रोटी भी चलेगी। दोनों साइड पर रोटी को हम सेक लेंगे। अब ये रोटी अच्छे से सिक गई है, इस पॉइंट पे हम इस रोटी को बाहर निकाल लेंगे। अब जो है हम दो अंडे तोड़ेंगे, दो अंडे तोड़ेंगे वो भी एक हाथ से, क्योंकि रूबी मैम एक हाथ से तोड़ती है, तो हम भी एक ही हाथ से तोड़ेंगे। देखिए अंडे हमारे अच्छे से फिट चुके हैं, अब इसमें हम डाल देंगे अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड अ पिंच ऑफ पेपर। अब इसे हम पोर कर देंगे। अब जो है वो हम इसके ऊपर टोटिया डाल देंगे। अब ये टोटिया और अंडा जो है वो फ्यूज हो रहा है एक दूसरे के साथ। एट दिस पॉइंट हम डालेंगे इसके ऊपर 3 blend cheese, हाफ कप है। आई नो ये थोड़ी सी ज़्यादा है, आप कम डाल सकते हैं, ज़्यादा डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो ये सारी हमारी चीज़ चली गई। अब इस पर हम क्विकली ड्रिजल कर देंगे थोड़ा सा रेड हमारा सालसा है, और ये हमारा ग्रीन सालसा। हाँ हाँ, क्या लग रहा है, ज़बरदस्त। अब आया है टाइम इसको फोल्ड करने का। वाह, देखिए मेरे मुँह में तो अभी से पानी आ रहा है। Look at that. क्या जबरदस्त लग रहा है। जबरदस्त नहीं, खतरनाक। खतरनाक जबरदस्त, थैंक यू। अब जो है हम इसे पीसेस में काट लेंगे। चलें, वेरी गुड। टेस्ट में जरूर अच्छा होगा, भले प्रेजेंटेबल नहीं है भाई। आधी रात हुई भी है, आधी रात हुई भी है, सब नींद में है तो। डैडी का क्या होगा भाई? वीकी वीकी दादे जान, दादे जान, तानी बुला रही है, तानी बुला रही है, तानी को बोल मैं आता हूँ। दादे जान का क्या हुआ, उठे? हैं? चलो
तो जोई आपको बताती है कि वो क्या करेगी। तो ये क्या है जोई? ये अपने पास 5 चिकन नगेट्स है, अब अपन एयर फ्रायर में डाल देते हैं। अच्छा चलो गुड। देखा कितनी मोहब्बत से अटेंशन दिया जा रहा है ईच एंड एवरी फ्राइज को। अगर मैं होती तो बोल को उल्टा कर देती, लेकिन नहीं। 10 minutes और 400 पे रखना। हो गया। हाँ। चलो अब दाने का काम शुरू हुआ ना। वो हॉट हो गया, अब हाथ नहीं लगा सकते। अब हेल्प की जरूरत है। हाँ ये इसीलिए मैंने ट्रे पिक की, बिकॉज़ ये मेरे डैडी की फेवरेट ट्रे है। डैडी की फेवरेट क्यों है पता है? जब डैडी जो थे ना, जोई के डैडी, जोई जितने थे ना, जब ये ट्रे दानी ने दिलाई थी तो आज तक मैंने संभाल के रखी थी, और अब जोई इसमें खाना खाती है। कैन यू बिलीव, मेरी सैरी डन हो गई। चला गया। अरे भाई शफी क्या हुआ, आप उठ के नहीं रहे? तुम लोग तो करो पूरा कंप्लीट। और आपको क्या बनाना है वो भी मुझे नहीं पता है कि मैं चीजें निकाल के रखूं आपके लिए। वो तुम लोग सोए नहीं हो क्या? नहीं हम लोग तो सोए नहीं। चलो मैं आता हूँ, तुम लोग जाओ। चलिए जल्दी आए, जल्दी क्या आ रहे सना, डैडी आ रहे। हाँ बिल्कुल, नहीं ये मैं पराठे रखूंगी, तू यहाँ बॉल बना रखना। चलो बता नहीं। अरे आगे आगे क्यों, क्या हुआ? मैं तो समझी आप आने वाले ही नहीं है। क्या तुम लोगों का हो गया सब? हाँ तो, और क्या बनाना है वो भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं पता कि भाई तैयारी क्या है। रूबी की रेसिपी में से ही चूज करूंगा ना कोई। शफीक का खुद का चैनल है शफीक की दुनिया, अगर आप लोगों ने देखा है तो सही है, नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दूंगी, आप लोग देखिएगा। बड़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें की है, मेरे रास फाश किए हैं, लोगों ने इनको बहुत पसंद किया है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं भी आती जाती रहती हूँ। चलो डन, मैं सामान जमा कर रहा हूँ, ठीक है? देखिए हमारे लिए भी सरप्राइज है, ये क्या करते हैं। ओ माय गॉड, क्या ये तो लग रहा है मेरा पूरा किचन यहाँ आ गया है। रूबी के किचन में किचन आ गया। सना देख तो सही, तो मैं टाइम वेस्ट थोड़ी करूंगा एक एक चीज निकाल के अलग रखने में। सभी लेकर आया हूँ मैं तो। हाँ लग रहा है पूरी दुनिया आ गई है भाई। यप, अब मैं फोन वाले हाथ धोकर आता हूँ फटाफट। वैसे मैंने आप लोगों ने फरमाइश की थी ना कि आपकी रूटीन बताएं सहरी की, तो ये बेसिकली रूटीन तो नहीं है, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है, समटाइम्स कुछ और होता है, इन्हें एवरी टाइम ही कुछ अनयूजुअल ही हो रहा होता है, और ये वेरी अनयूजुअल हो रहा है। ओके रेडी, पहले ऑयल ऐसा बनाऊंगा उंगलियां चाटते रह जाओगे सर। सबसे पहले डालना है 3G प्लेस, बकोल रूबी डांसिंग शो शुरू हो उससे पहले डाल दो इसको। राइट ओके, धनिया जा रहा है इसमें। इसमें तो चम्मच था ऑलरेडी एक। हाँ सब में होता है, लेकिन मैंने सोचा अगर ओके फिर भी चाहिए। भर के दो, 1 और 2 भर के, मतलब राउंडेड। गरम मसाला, काली मिर्च। लेकिन आप कौन सा कीमा बना रहे हैं शफी? मैं बना रहा हूँ जिसमें मिर्ची नहीं जाती है। ढाबा ढाबा स्टाइल। अच्छा। तुम्हारा ही तो है। साबत जीरा, वाइट पेपर जाएगा 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, नमक। आप क्योंकि हमारे मसाले जो है मसाले जो है जले ना, नहीं मसाले जब मसाले बनेंगे उससे पहले पानी डाल दो। हाँ मसाले जले ना इससे पहले आप इसमें पानी डाल दो। 1 टेबलस्पून हम पानी डालेंगे। सब तुम्हारी तरह क्यों साउंड करने लगते हैं पकाते हुए? आई नो, अच्छा है ना वो पराठे? क्या बात है, मैंने आप कुकिंग करते हुए कभी देखा नहीं है। मैंने देखा है डैडी कुकिंग करते हैं कभी कभार, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मम्मा करती है। जब मैं छोटा था तो मैं बोलता था डैडी को कि मुझे अंडा बना दो, डैडी कुक्स।
ग्रेट एग्स एग्स मैंने भी क्या बनाया अंडा बनाया मैं अंडे बहुत अच्छे बनाता हूँ गुड 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 तेज पत्ते डाले हैं हमने मीडियम वाले दो हम डाल देते हैं बड़ी इलायची ऐसा मम्मा का साउंड आ रहा है ना स्मेल भी मम्मा की आ रही है ना हाँ हाँ अब हम ये डाल देते हैं प्याज तली हुई प्याज है वो डाल देते हैं आधा कप इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि हमारी प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए मसाले भुनेंगे गुड गुड बहुत अच्छी खुशबू आ रही है वैसे और फिर मिर्च है नहीं ओके मसाला भून चुका है अच्छी तरह अब हम इसमें कीमा डाल देंगे हमारा कीमा जो है कि 1.5 पाउंड है जो धुला हुआ और फ्रीज़र में रख दिया था हमने उसको निकाल के रूम टेम्परेचर करके यूज़ करते हैं हम ओके देखें इसका कलर चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता क्या भाई ये तो बड़ा शानदार लग रहा है ना हाँ अभी तो देखो आगे क्या क्या होता है हाँ ओ सना तेरे पराठे के तो लेयर्स तो देख क्या शानदार है आपसे सीखिए क्या बात है देखो ये देखो ये भी जोड़ी नहीं देखी थी मैंने एक सालन बन रहा और एक पराठा ये कॉम्बिनेशन मैंने नहीं देखा था ये बहुत बीच में आ रहा है अरे नो हाथ से डाल दो ना एक सेकंड लगेगी या अल्लाह घर वाले तो खा रहे हैं कौन जो सब खा रहे हैं कि कोई दूसरों के लिए थोड़ी पका रहा हूँ ओके आलू डाल दिया अब आलू के हिसाब से पानी डालना है हमने ये क्या पड़ा है यहाँ अरे दही तो भूल गया मैं कोई बात नहीं अभी डाल दे अभी डाल दो श्योर अभी डाल दूँ हाँ हाँ क्या जरूरत है इतना अच्छा लग रहा है दही के बगैर तो ना डाले चलो डाल ही लेता हूँ मगर फिर तुम कहती हो ना वीडियोस में के गलेगा नहीं आलू नहीं गलते हैं जल्दी और सब ऐसा थोड़ा देर से गल जाएंगे तो आप भी देखना चलेगा अब देखें जब आप जब भून रहे होंगे तो थोड़ी थोड़ी तरी ये देख रही हैं आपको थोड़ी थोड़ी तरी आने लगी है तो उसका मतलब हमारा दूसरा आधा कप दही चाहेगा इसमें दही हमारा खट्टा नहीं होता दही को पहले ऊपर से ही मिक्स करें यूँ करके और फिर मिलाएं यही बोला था ना रूबी राइट ताकि आपका दही फट ना जाए पहले थोड़े थोड़े मसालों में मिक्स होना शुरू हो और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा मसालों में मिक्स होते 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 मिक्स हो जाए अब हम आलू के गलावट के हिसाब से पानी डालेंगे इसमें ये मम्मा यूँ करती है पता है ना चमचा धो डालती है उसमें चला गई मैं और इसको हम बंद करके रख के कभी खाया है दादा जान के हाथ का तू नहीं देखा है ना कभी तेरी जिंदगी में नहीं देखा है तूने आज देख ले पानी निकाल ले पानी और डैडी के लिए कम्बुचा हाँ भाई जल्दी जल्दी करो अब टाइम शॉर्ट बचा है अपने पास बहुत सारी चीजें तो टेबल पे पहुंच रही है बस आप लोगों का इंतजार है तो अब मैं तो कह रही हूँ कि हर हफ्ते आपको एक मरतबा तो बनाना ही चाहिए क्या खाना खाना बनाना और सना फिर हम क्या करेंगे हम घूमने जाएंगे घूमोगे तुम लोग आलू गले हैं कि नहीं जरा देख लेते हैं बिल्कुल नहीं गले हैं आलू तो अब हम क्या करेंगे कि इसको 5 मिनट और रखेंगे थोड़ी सी साबुत मिर्चें हैं हाथ से थोड़ी हुई जैसे यूं करके तोड़ते हैं ना वो मिर्चें डाल दी इतनी काफ़ी है मेरे ख्याल से और ये भी बंद कर देते हैं ताकि वो मिर्चें भी गल जाए जिसको खाना वो खा सकता है हाँ हल्का सा स्लो कर देंगे तो गलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे ऐसा होता है हाँ स्लो में गलते हैं आलू मतलब तेज़ में तो इवेपरेट होता है ना पानी लेकिन मध्यम आँच पे गल जाती है चीज़ें जल्दी ओ चलो पराठे गरम गरम है आपका मैं आलू देख लूँ क्या सिचुएशन है क्यों मैं देखूँगा ना चलो अंडे के अलावा मैंने कुछ तो बनाया मेरे दादा जान ने बनाया कीमा कीमा अगर बहुत ठीक है
तेरी सबसे ज्यादा सुपर्ब है जोई। ओ हो गया भाई, ये देख लो खाली आलू, हाँ टूट रहे हैं। अब जो है इसमें जब ये आलू गल गए हैं तो हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे धनिया, थोड़ा सा पुदीना और उसके बाद एक मिनट और रखेंगे, और अगर डालना चाहें तो आधा टीस्पून गरम मसाला भी छिड़क सकते हैं। थोड़ा सा यूँ कर लेंगे हिलाने का और एक मिनट के लिए बंद करके इसको दम देंगे। दम ये तो हो गया, अब डिश आउट करते हैं। वाह ये तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। ओके ओके मेरी डिश भी आ गई। चलो जल्दी जल्दी, हाँ टाइम नहीं है अब, ज़रा लेट हो गए थोड़े से, जल्दी से करो। ये तूने क्या बनाया, तूने बनाया कैसे दिया, मतलब कितने में दिया ये? चलो चलो जल्दी करो, टाइम नहीं है भाई। आप लोगों की फरमाइश की वजह से मैंने खूब एंजॉय किया, वरना मैं और सना और मेरी बेटी हुआ करते थे किचन में। ये तो ऐसा लग रहा था बहुत लाइवली माहौल है, और जोई को तो लगता है अभी भी नींद ही नहीं आने वाली है, इतने मजे कर रही है। बच्चे आजकल तो क्वारंटीन में खूब मजे कर रहे हैं। चले आप लोगों के लिए ढेर दुआ है, आप लोग खूब तरक्की करें, सेहतमंद रहें, और जो आप लोग की ख्वाहिशात हो सब पूरी हो, और ढेर सारा प्यार, और इंशाल्लाह फिर ईद पर मिलेंगे। Love you all. Bye. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.